विपक्ष को एकजुट करने की कवायद को बड़ा झटका। 27 अगस्त को होने वाली लालू की रैली में शामिल नहीं होंगी माया। इससे पहले बीएसपी के ट्विटर हैंडल पर आए पोस्टर भी सुर्खियों में रहा। अखिलेश यादव, लालू, सोनिया समेत विपक्ष के सभी दिग्गज एक साथ दिखे। बीएसपी ने किया खंडन, ऐसा कोई ऑफिशियल अकाउंट नहीं, इसलिए पोस्टर रिलीज का सवाल भी नहीं। बीएसपी के पीछे हटने की खबरों के बीच लालू की रैली के लिए तैयारियां तेज। फेसबुक पर जारी किया गया नया गाना। अब से एक घंटे बाद शाम 6 बजे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अमित शाह की बैठक। कामकाज का देंगे सभी ब्यौरा। सूत्रों के अनुसार पीएम के साथ आज बैठक में 13 मुख्यमंत्री होंगे शामिल, 6 डिप्टी सीएम और कुछ केंद्रीय मंत्री भी मौजूद। पीएम मोदी ने मिट्टी के हेल्थ कार्ड की ली जानकारी, फसल बीमा योजना की भी समीक्षा। गुजरात के कांग्रेसी विधायकों ने आज सोनिया गांधी से मुलाकात की। 4-5 सितंबर से विधानसभा के लिए चुनाव शुरू करेगी कांग्रेस। गुजरात हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग, अहमद पटेल, अमित शाह, स्मृति ईरानी को भेजा नोटिस। बीजेपी उम्मीदवार बलवंत सिंह ने कांग्रेस के बागी विधायकों के वोट रद्द किए जाने के खिलाफ डाली थी याचिका। सज्जन घोटाले पर आरजेडी नेता राबड़ी देवी का हल्ला बोल, पहले इस्तीफा दें नीतीश कुमार और सुशील मोदी, तभी होगी निष्पक्ष जांच। बिहार विधानसभा में भी आज सृजन घोटाले पर हंगामा, मुख्य प्रवेश द्वार पर आरजेडी विधायकों ने किया प्रदर्शन। 870 करोड़ तक पहुंचा सृजन घोटाले का आंकड़ा, 18 लोग गिरफ्तार, दोषी पाताल में भी बैठा हो तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। सृजन घोटाले के आरोपी महेश मंडल की मौत, भागलपुर के एक अस्पताल में चल रहा था इलाज, परिजनों ने साजिश का आरोप लगाया। लालू ने घोटाले को जेडीयू से जोड़ा, कहा महेश मंडल थे जेडीयू नेता के पिता। एआईएडीएमके के पनीर और पलानी गुटका विलय, थोड़ी देर में मंत्रिमंडल के नए सदस्यों का शपथ ग्रहण। जयललिता के निधन के 6 महीने बाद एकजुट हुए दोनों धड़े, पनीर सेल्वम ने कहा एक अम्मा एक परिवार एक पार्टी। विलय के बाद एमजीआर मेमोरियल पर पहुंचे ओपीएस और ईपीएस, जयललिता मेमोरियल पर भी जाकर दी श्रद्धांजलि। जेल में बंद शशिकला को लेकर सीसीटीवी तस्वीरों से बड़ा खुलासा, कैदी की जगह सिविलियन ड्रेस में जेल के अंदर आती हुई दिखी। पूर्व डीआईजी डी रूपा ने एसीबी को सौंपे सबूत, तस्वीरों से उठे सवाल, क्या जेल के बाहर घूमने जाती थी शशिकला। मालेगांव धमाके के आरोपी कर्नल पुरोहित को राहत, सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत। कर्नल पुरोहित पर साजिश रचने, विस्फोटक जुटाने का आरोप, बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की थी जमानत। 9 साल से जेल में बंद हैं कर्नल पुरोहित, मालेगांव धमाके में हुई थी 6 लोगों की मौत। पुरोहित की पत्नी अपर्णा भी अदालत पहुंची, फैसले पर जताया संतोष, कहा साजिश के तहत पति को फंसाया गया। कर्नल पुरोहित की जमानत पर ओबीसी का बयान, धमाके की साजिश में शामिल पुरोहित के खिलाफ पुख्ता सबूत थे। पुरोहित को जमानत पर सीपीएम नेता प्रकाश करात की प्रतिक्रिया, सरकार के आदेश पर जांच में ढिलाई, आतंकवादी घटनाओं पर पर्दा डालने की कोशिश। कर्नल पुरोहित की जमानत पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बयान, देर से सही मिला न्याय। मालेगांव धमाके में पीड़ितों के फैसले से मायूसी, सरकार एटीएस और एनआईए कर रही है गलत इस्तेमाल। धमाके में बेटे को खोने वाले पिता का सवाल, 2008 के दोषी कौन, सरकार बताए। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का डोकलाम मुद्दे पर बयान, दुनिया की कोई भी ताकत भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकती। राष्ट्रपति कोविंद भी आज लेह के दौरे पर, लद्दाख कर जवानों से मुलाकात की। लद्दाख में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ राष्ट्रपति लद्दाख स्कॉट को प्रदान किया गया ध्वज, जवानों की हौसला अफजाई। तीन दिन के दौरे पर लद्दाख पहुंचे आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत का आज लेह में दूसरा दिन, सीमा पर पुख्ता सुरक्षा इंतजामों का लिया जायजा। आज सहारनपुर के दौरे पर आए थे सीएम योगी, पुलिस लाइन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठे। अयोध्या में रामचंद्र दास समाधि सेवा ट्रस्ट को नोटिस, अवैध कब्जे काल। बिल्डर घोटाले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से हो सकती है पूछताछ, सूत्रों की खबर, सीएम ने खुद लोकायुक्त के सामने पेश होने की जताई इच्छा। रायपुर के अंबेडकर मेडिकल कॉलेज में आज 3 नवजात बच्चों की मौत पर हंगामा, परिवार ने लगाया ऑक्सीजन बंद होने का आरोप, 3 बच्चे थे वेंटिलेटर पर। बीजेपी नेता अवतार भड़ाना को सबसे भ्रष्ट बताने के मामले में केजरीवाल का यू टर्न, खेद जताते हुए अदालत में माफी मांगी।
केजरीवाल ने एफिडेविट में लिखा कुछ पुराने सहयोगियों ने उनको बढ़ाना के बारे में दी थी गलत जानकारी। 23 अगस्त को होने वाले बवाना विधानसभा चुनाव में प्रचार का आज अंतिम दिन, कांग्रेस ने किया जीत का दावा। बवाना उपचुनाव के लिए बीजेपी भी लगा रही है एड़ी चोटी का जोर, पोस्टरों में छाए हैं मोदी योगी। सफाई कर्मचारी की मौत पर दिल्ली के जल मंत्री राजेंद्र गौतम का बयान, एमसीडी ने अभी तक नहीं है सफाई कर्मचारियों की लिस्ट। यूपी में सियासी रंजिश में खूनी झड़प, एटा में बीजेपी विधायक वीरेंद्र लोधी के परिवार वालों पर हमला, एसपी कार्यकर्ताओं पर आरोप। यूपी में शर्मसार हुई वर्दी, बलिया में ग्राम प्रधान के साथ पुलिस चौकी पर तैनात कांस्टेबल पर गैंगरेप का आरोप। वारदात के बाद पीड़ित के पिता की सदमे से मौत, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ एक सिपाही के खिलाफ छेड़छाड़ का केस। यूपी के हरदोई में घर के बाहर खेल रही बच्ची को अगवा करने की कोशिश में पकड़ा गया बाबा, लोगों ने जमकर पीटा। नोएडा सेक्टर 62 में सरेआम रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया पुलिस वाला, ट्रैफिक ललित कुमार को निलंबित किया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में अदालत के पेशकार की हत्या, सुबह की सैर के वक्त गोली मार दी गई। पेशकार जावेद अख्तर समस्तीपुर अदालत में पेशकार, भीड़भाड़ वाले इलाकों में मारी गई गोली। बिहार के सिवान में हिंदुस्तान अखबार के पत्रकार राजेश अनल पर हमला, मारा चाकू। दिल्ली के अलीपुर में खौफनाक हादसा, बाइक सवार 3 लोगों को मारी टक्कर, 2 की मौत 1 घायल। दिल्ली के रनहौला में करंट लगने से युवक की मौत, दादी को बचाने के दौरान खुद करंट की चपेट में आ गया। दिल्ली के रोहिणी में हॉरर किलिंग की कोशिश, सीसीटीवी में कैद वारदात। घरवालों के विरोध के बावजूद शादी करने से नाराज थे परिवार वाले, मॉल के बाहर लड़के पर जानलेवा हमला। यूपी के हाथरस में 2 युवकों ने गर्भवती महिला को पीटा, बच्चे की मौत। राजस्थान के अलवर में अस्पताल की लापरवाही, अहाते में खुले आसमान के नीचे बच्चे का जन्म। जम्मू कश्मीर केबल मालिक की हत्या, अज्ञात बंदूकधारियों ने मारी गोली। अमृतसर में स्कूल से लौट रही बच्ची को 3 बाइक सवारों ने किया परेशान, सीसीटीवी तस्वीरें मुहैया कराने के 7 दिन बाद भी कोई गिरफ्तार नहीं। कोलकाता के मिठाई दुकानदार कर रहे हैं जीएसटी का विरोध, हड़ताल पर जाने की अपील। मध्य प्रदेश के श्योपुर में रेलवे विजिलेंस का छापा, टिकटों पर नहीं छप रही है पैसों की डिटेल्स। राजधानी दिल्ली में साल डेंगू से मौत का पहला मामला, अब तक 657 मामले दर्ज। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में कुत्ते का पीछा करते हुए घर के बाथरूम में घुसा तेंदुआ, वन विभाग ने किया रेस्क्यू।